दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा की तरफ से नमस्कार। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना, और आप लोग सुखी संपन्न परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही हमारी शुभकामना है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, और ये टॉपिक रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, कई व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और कई व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्यों हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं और हाइपो किसको बोलेंगे? दोस्तों, उसके पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं अभी अगले 10 मिनट में देने वाला हूँ, कृपया हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के बीच में पाया जाता है, जो कि एक तितली नुमा साइज बटरफ्लाई के जैसा दिखने में है। दोस्तों, इसके लोब्स होते हैं, राइट लोब्स, लेफ्ट लोब, और इस्थमस से ये जुड़ा रहता है, और इसके ऊपर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होते हैं, जो कि कंसेक्यूटिव क्लासेस में हम समझेंगे कि इसका रोल क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आपको हाइपर का मतलब समझा दूं। हाइपर मतलब ज्यादा एंड हाइपो मतलब कम। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले दो हार्मोन है T3 एंड T4। TSH एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, थायराइड से नहीं निकलता है। तो किसी ने भी अगर ये प्रश्न करता है कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो T3 एंड T4, और इसकी जो नाम दी गई है हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, यह इसी दोनों हार्मोन के नाम से दिया गया है। अगर T3 और T4 की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, और अगर T3 T4 की मात्रा नॉर्मल से काफी कम हो तो इसे हम हाइपोथायरेडिज्म कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्चुअली थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन समझे कि थायराइड ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस इवरी सेल्स इन आवर बॉडी। थायराइड हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द इवरी सेल इन द बॉडी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका थायराइड ग्लैंड में हाइपर है या हाइपो है, आप ये मान के चलें कि आपकी बॉडी की सारी सेल्स इसमें इन्वॉल्व होगी। थायराइड ग्लैंड एक्ट एज ए आवर बॉडी फर्नेस एंड आवर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्ट एज ए थर्मोस्टेट। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज रिलेशनशिप दिखलाई गई है कि थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का एक जबरदस्त रिलेशन है। यानी कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है, कम काम कर रहा है तो भी इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। कैसे? तो आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड एक फर्नेस के जैसा काम करता है, जो कि आपको ऊष्मा प्रदान करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रेगुलेटर का काम करता है। लाइक व्हेन द फर्नेस मींस थायराइड ग्लैंड एक्ट एज ए टू कोल्ड, यानी कि कम काम कर रहा है, देन आवर थर्मोस्टेट और पिट्यूटरी सेंस इट एंड प्रोड्यूसेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर आपकी बॉडी में T3 और T4 की मात्रा थायराइड ग्लैंड कम बना रही है तो उसमें क्या होगा, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस कर लेता है एंड दे रिलीजेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड विच वार्म यू अप अगेन। देन अगेन व्हेन द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन राइजेस, यानी T3 एंड T4 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि टू हॉट हो जाएगा आपका बॉडी, देन पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन सेंस इट, देन स्लो द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मीनिंग क्या हुआ कि अगर हाइपो की कंडीशन, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, T3 T4 की मात्रा नॉर्मल से कम है तो उस स्थिति में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बनेगा। यानी कि T3 T4 जो ग्लैंड का काम था वो कर नहीं रहा है तो उसको कौन करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि भाई ये क्यों कम बन रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और T3 T4 की मात्रा कम पाई जाती है तो आपको कह दिया जाएगा कि यू आर ए पेशेंट विद द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में अंतर अलग है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज्यादा होगी एंड TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम होगी। इसका वजह क्या है, तो आप समझो, जो ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही कम बन रहा है तो ऑब्वियस है कि T3 एंड T4 ज्यादा बनेगा, उसको कंट्रोलर नहीं है। इसी कंडीशन को हम इसमें ब्रीफ आपको समझा चुके हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म इज व्हेन आवर थायराइड प्रोड्यूसेस टू मच हार्मोन और नॉट इनफ, व्हेन देन इट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म।
सो हाइपर एंड हाइपो के अंतर तो आप समझ चुके होंगे, यही इसमें बेसिक जो ज्यादातर स्टूडेंट मिस करते हैं कि हाइपो की कंडीशन में सर सारा कम हो जाएगा, जैसे T3, T4, TSS सब, नो, T3, T4 कम होगा बट उसका TSH बढ़ा हुआ होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3, T4 ज्यादा होगा एंड TSH कम होगा, इस चीज को ध्यान देना और इस चीज को रिलेशन को समझना होगा। नाम से ही प्रतीत होता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, वो तब निकलेगा या तब उसकी कमी पड़ेगी जब वो खुद काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इज द मेन कंट्रोलिंग हार्मोन विच एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड। आगे हम बढ़ते हैं हाइपर की केस की बात करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम क्या है, दिस सिम्टम इंक्लूड फास्ट हार्ट रेट। सबसे पहले आप इस चीज को, अब इसका यह मतलब नहीं है कि किसी का हार्ट रेट ज्यादा है तो क्या उसे हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, नो, बट ऐसा 100% है जब हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपकी हार्ट रेट ज्यादा होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, वेट लॉस होगा एंड ब्लड टेस्ट कैन कंफर्म यू दैट यू आर हैविंग हाइपरथायरॉयडिज्म। कैसे, तो आपका T3 T4 लेवल बढ़ा हुआ होगा एंड TSH कम होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म हैपन इन अबाउट 1 out of every 100 पीपल्स, तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, 100 में से एक आदमी हो जाना मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। देयर इज द वन स्टेटमेंट कॉल्ड थायरॉयड स्टॉप इज अ वेरी सीवियर hyperthyroidism that happen when your thyroid suddenly releases a dangerous amount of hormone. It usually brought on an infection, heart attack, a stroke, surgery or extreme stress. It is the emergency that can be fatal if not treated quickly. So, जैसे कि cytokine storm होता है, उसी तरह से thyroid storm भी होता है, और ये उनके में होता है जो मरीज अपनी hyperthyroidism को treatment नहीं करा पाते। There are other things like in Graves disease, your body immune system mistakenly attack the thyroid gland and most autoimmune diseases make thing stop working. But in Graves disease, the attack by your immune system make your thyroid work harder and make more thyroid hormones. So, आप जैसे hyperthyroidism की हम बात कर रहे हैं, उसी में यह बात निकल के आई है कि एक डिजीज है ग्रेव्स डिजीज जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। नॉर्मली ऑटो इम्यून डिजीज में जिस पर भी अटैक करता है वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, बट थायराइड के केस में उल्टा होता है। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर हार्मोन। सो दिस इज द डिफरेंट देन द हाइपरथायरॉयडिज्म एंड थायरॉयडाइटिस। Thyroiditis result from certain viral infection and other diseases that inflame your thyroid. Damaged cell in the inflamed thyroid can release extra thyroid hormone. And thyroid nodules are the small growth that often result from genetic diseases. Some nodules release thyroid hormones also. So, आपको hyperthyroidism exactly है कि Graves disease है या और कोई कारण है, यह आपको endocrinologist से मिल करके कंफर्म करना चाहिए। नॉर्मली हाइपरथायरॉयडिज्म जब आपके बॉडी में T3 T4 की मात्रा ज्यादा हो, TSH की मात्रा कम है तो डायग्नोज किया जाता है, और उसके सिम्टम बहुत ही कॉमन है, जैसे हार्ट रेट ज्यादा बढ़ रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहेगा, वेट लॉस होगा, उसे गर्मी ज्यादा लगेगी। हम आगे और भी चीजें इसके देखेंगे जैसे इसके ट्रीटमेंट क्या है। सो डिपेंड ऑन द काउजेज ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म डॉक्टर विल ट्रीट यू विथ मेडिसिन सच एज बीटा ब्लॉकर टू कंट्रोल हार्ट रेट। देखो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर देंगे, मेडिसिन टू कीप योर थायराइड फ्रॉम मेकिंग थायराइड हार्मोन। सो समटाइम डॉक्टर नीड टू परमानेंटली स्टॉप योर थायराइड फ्रॉम मेकिंग एनी मोर हार्मोन। दे मे स्टॉप योर थायराइड बाई डूइंग सर्जरी टू रिमूव पार्ट और ऑल ऑफ योर थायराइड, गिविंग यू हाई डोज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन विच विल डिस्ट्रॉय द थायराइड। After you have had surgery or radioactive iodine treatment, you shall need to take thyroid hormone pills because your body no longer make it own thyroid hormone. So, आप देखो hyperthyroidism की treatment symptomatic भी है and कुछ radioactive treatment भी है and कई बार surgery करके भी इसे remove किया जाता है और उसको replace करने के लिए आपको अलग से pills दिए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोथायरायडिज्म, यानी कि जब आपका T3 T4 की मात्रा काफी शरीर में कम हो रही है एंड TSH बढ़ा हुआ है, मीनिंग थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी। इट इज डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल फीचर सच एज टिपिकल फेशियल एक्सप्रेशंस, हॉर्स स्लो स्पीच एंड ड्राई स्किन एंड बाय लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। मैनेजमेंट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। हाइपोथायरायडिज्म अकर एट एनी एज बट इज पार्टिकुलरली कॉमन एमंग ओल्डर एडल्ट। हाइपोथायरायडिज्म मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी caused by the disease in the thyroid and secondary caused by disease in hypothalamus or pituitary. अब समझो ये actually pituitary से control होता है, तो अगर मतलब thyroid stimulating hormone यानी pituitary से में कुछ problem हुआ है उसके वजह से, तो उसे secondary hypothyroidism कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, primary hypothyroidism is due to disease in the thyroid whereas thyroid stimulating हार्मोन इज इंक्रीज। तो देखो हाइपोथायरायडिज्म में क्या हुआ था, T3 T4 की मात्रा कम हो गई थी और TSH बढ़ गया था। होता है ऐसा है जैसे ही हमारी बॉडी में T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस कर लेता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज करना शुरू करता है। बट एक विशियस साइकिल है, आपका प्रॉब्लम हो गया तो हो गया, एक कंटिन्यूअसली ऑटो एक तरह से स्टार्ट की जैसा नौबत है, TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कुछ देर के लिए ठीक हुआ, फिर से वो नीचे ही डाउन हुआ तो फिर से TSH बढ़ाना पड़ा, अल्टीमेटली ब्लड में TSH बढ़ता हुआ मिलेगा। सो इसे हम कहेंगे हाइपोथायरायडिज्म। लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूजुअली इंडिकेट दैट द थायराइड इज प्रोड्यूसिंग टू मच थायराइड हार्मोन। जो हाइपरथायरायडिज्म में हुआ, T3 T4 बहुत ज्यादा निकल रहा है तो TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कम निकल रहा है, तभी हुआ। अब एक छोटा सा समझो कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये गार्जियन के जैसा है, गार्जियन बच्चों को देख रेख कम करेंगे तो क्या होगा, उनके बच्चे बदमाश हो जाएंगे। तो T3 T4 को बच्चे समझो, T3 T4 का गार्जियन TSH है, TSH है ही नहीं तो T3 T4 बहुत ही बेतहाशा बढ़कर के कुछ भी बदमाशी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरायडिज्म एंड TSH ज्यादा है, गार्जियनशिप ज्यादा है तो बच्चों को इतना कंट्रोल करें कि घर के अंदर कैद, तो T3 T4 कैद हो गए, इसे हम कहेंगे हाइपोथायरायडिज्म। जनरली हेल्दी TSH लेवल आर इन इंडिकेटर द होल सिस्टम इज वर्किंग वेल बट देयर इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन एट बेस्ट। ए नॉर्मल T3 लेवल माइट बी समवेयर बिटवीन 100 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। सो प्लीज नोट डाउन, 100 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल लेवल ऑफ T3, व्हाइल ए T4 लेवल फॉल बिटवीन 5 टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर नैनोग्राम था, यहां पर माइक्रोग्राम है, यहां पर डेसीलीटर, यहां पर भी डेसीलीटर। नाउ फ्री T4 which test for the amount of T4 that is available in the body should range between 0.8 to 1.8 nanogram per deciliter. So, दोस्तों यह numerical value है, इसे आप note करके रख सकते हैं याद करने के लिए। अब यह एक picture को जरा ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही clear concept अभी तक के हमने दिया hyperthyroidism and hypothyroidism का, उसमें आपको यहाँ पर clear हो जाएगा। अभी आप बताएं हाइपरथायरायडिज्म का मतलब क्या हुआ, हाइपरथायरायडिज्म का मतलब कि T3 T4 की लेवल ज्यादा है, TSH कम है, यानी TSH गार्जियन जो है वो है नहीं घर में, तो T3 T4 जो बच्चे बदमाश हैं वो बहुत ही बिगड़ैल बन गए हैं, तो T3 T4 ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं एंड TSH कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हार्ट रेट इधर वाला हाइपरथायरायडिज्म हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप देखो यहां पर मिलेगा कि किस तरह से क्या है, टैचिकार्डिया, एंजाइना, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, यानी हार्ट रेट ज्यादा काम करेगा, बॉडी में उसे गर्मी, देखो स्वीटी ट्रेमलस वार्म हैंड, उसको गर्मी ज्यादा लगेगा मरीज को और हमेशा ही बोले बहुत पसीना आ रहा है। वेट लॉस होगा क्योंकि हार्ट ज्यादा काम कर रहे, जरूरत नहीं है तो वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, भूख उसको लगेगा लेकिन उसका वेट खाएगा भी बट वजन नहीं बढ़ेगा। एंजाइटी होगा, थोड़ा सा में वो डर जाएगा,
गर्मी हीट को तो इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब उसको थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हुआ तो, गर्मी हुआ तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। एंड एंजाइटी, हर चीज में वो तुरंत घबरा जाना, किसी ने बोला अरे देखो क्या हो गया। सो इरिटेटेबिलिटी, यानी इरिटेट भी जल्दी हो जाता। तो इस तरीके का जो हाइपरथायरॉइडिज्म का सिम्टम्स है, और इस तरह का अगर हो रहा है तो आपको तुरंत इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हाइपरथायरॉइडिज्म, एम शांति वाला, बॉडी एकदम फूल गया है, मोटा हो गया इंसान, देखो किस तरह से है, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट नॉर्मल से भी कम चल रहा है, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन इनका मूल मेजर कारण है, उनको कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड लो मेटाबॉलिक रेट, वेट गेन हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, उसको ठंडा ज्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान देना कि हाइपोथायरेडिज्म में ठंडा ज्यादा लगेगा एंड हाइपर वाले को गर्मी ज्यादा लगेगा। लेथार्जी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, दिन भर सोया रहेगा, सो डिप्रेशन में चला जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपो, एंड जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया वो हाइपरथायरॉइडिज्म का सिम्टम था। दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जो जीवन पर्यंत तक आपको दवाइयां खानी पड़ सकती है, एंड इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह जरूरी है, खास करके इसके लिए अब स्पेशलाइज डॉक्टर जो कि इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इंडोक्राइन रिलेटेड ग्लैंड की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं और उनकी पूरी पढ़ाई हुई रहती है, दे आर द बेस्ट डॉक्टर। सो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें एंड लाइक करें, और अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें। दोस्तों कीप योर सेल्फ हेल्दी वेल्दी एंड सेफ, एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट। दोस्तों आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।